हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जिया जुडिशियल्स। आइए बात करते हैं लॉ कमीशंस और कमेटीज़ के बारे में। लॉ कमीशंस एक ऐसा टॉपिक है जो यूपीएससी में भी बहुत यूज़फुल होता है और जुडिशियल सर्विसेज के एग्ज़ाम में भी हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये लॉ रिफॉर्म्स की बात करता है। वैसे तो लॉ कमीशंस, अभी हमारी 22nd लॉ कमीशन चल रही है, बट उसके अलावा भी हमने देखा है कि लॉ कमीशंस आती हैं जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर आती हैं हमारे आजकल के सिनेरियोस को देखते हुए। तो हम उन्हीं इंपॉर्टेंट लॉ कमीशंस को लेकर चलेंगे कि कैसे उन लॉ कमीशंस ने रिफॉर्म्स करे लीगल सिस्टम के अंदर। तो वो 20 लॉ कमीशंस मैं आपको समझाने वाला हूँ। पहले देखते हैं लॉ कमीशंस होती क्या हैं। बेसिकली लॉ कमीशन जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, मतलब लॉ कमीशन स्टैट्यूट नहीं बनाती। लॉ कमीशन का काम होता है एडवाइस करना लॉ मिनिस्ट्री को और गवर्नमेंट को रिगार्डिंग किसी लॉ के बनने के लिए। तो स्टैट्यूटरी का मतलब तो हुआ कि लॉ कमीशन ने जो रिकमेंड करा है वो लॉ बन गया पर से, बट ऐसा नहीं है। लॉ कमीशंस आर एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब वो एग्जीक्यूट करती हैं लॉ बनना चाहिए, उसके ऊपर रिसर्च करती हैं, और यही काम लॉ कमीशंस का रहता है, एडवाइस द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस फॉर लीगल रिफॉर्म्स। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस फिर लॉ कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट में लॉ बना सकती है। एग्जीक्यूटिव को समझने के लिए पहले जानना जरूरी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 पिलर्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर मतलब हमारी पार्लियामेंट, हमारी पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है वो हमारा लेजिस्लेचर हुआ। एग्जीक्यूटिव जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब जो हमारी एडवाइस करती है लॉ मिनिस्ट्री को, और जुडिशरी मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारे हाई कोर्ट्स, 25 हाई कोर्ट्स हैं हमारे, जितने भी कोर्ट्स हैं जो लॉ की इवैल्यूएशन करते हैं, जो बताते हैं कि लॉ सही बनाए या नहीं बना। मतलब लेजिस्लेचर तो लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव लॉ कैसे बन रहा है उसकी एग्जीक्यूशन करेगा और फिर उस लॉ को अप्रूव करेगा, और जुडिशरी जुडिशियल माइंड लगा के उस लॉ को इवैल्यूएट करेगी कि लॉ कितना सही बनाए और कितना नहीं सही बनाए, या उसमें कुछ चेंजेस कर सकती है गवर्नमेंट या नहीं कर सकती। तो हमारी लॉ कमीशंस कहाँ पे आएंगी? हमारी लॉ कमीशंस एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर आएंगी। एग्जीक्यूटिव बॉडी का पार्ट है, एडवाइजरी का पार्ट है लॉ कमीशन। लॉ कमीशन को समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटीज़। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटीज़ के बारे में, मतलब वो कमेटीज़ जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करे थे। लॉ कमीशंस जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आती हैं, जैसे कि पंचायत के सिस्टम के लिए अलग लॉ कमीशन बनी, पंचायती रिफॉर्म्स के लिए, रिजर्वेशन के लिए अलग लॉ कमीशंस बनी, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस के लिए अलग लॉ कमीशंस बनी। तो हम ऐसे ही लॉ कमीशंस को बाइफर्केट करते हुए चलेंगे सब हेडिंग्स के अंदर। तो यहाँ पे मेजर हेडिंग है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, और कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी की सबसे पहली कमीशन हमारे देश की ड्राफ्टिंग कमीशन है। आप सब लोग इस कमीशन के बारे में अच्छे से जानते होंगे। ड्राफ्टिंग कमीशन मतलब जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, जिसने हमें हमारा संविधान दिया, जिसके चेयरमैन हमारे B.R. अम्बेडकर जी थे, ये वो ड्राफ्टिंग कमीशन है। ड्राफ्टिंग कमीशन हमारी 29 अगस्त 1947 में सेटअप की गई, और जिसने B.R. अम्बेडकर जी को 4 नवंबर 1948 में फाइनल ड्राफ्ट सबमिट किया। 26 नवंबर 1949 काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है ड्राफ्टिंग कमीशन की, जिस टाइम हमारा ड्राफ्ट पास हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में। मतलब कहते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरा लिख के तैयार हो चुका था, और फाइनली उसको 26 जनवरी हमारे रिपब्लिक डे वाले दिन 1950 में फोर्स में लाया गया। तो ड्राफ्टिंग कमीशन कमेटी के कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे, जिसमें B.R. अंबेडकर जी इसके चेयरमैन थे। ये 7 मेंबर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, पेपर में आ सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, हमारी फ्लैग कमेटी, जिसे हम एड हॉक कमेटी और नेशनल फ्लैग भी बुलाते हैं। फ्लैग कमेटी नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे नेशनल फ्लैग, हमारे तिरंगे, हमारी शान की बात करी जा रही है। नेशनल फ्लैग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमें ज़रूरत थी कि हम ब्रिटिशर्स के झंडे को फेंकें और अपने देश का आज़ाद तिरंगा लहराएं, और वो आज़ाद तिरंगा इसी फ्लैग कमेटी द्वारा रिकमेंड किया गया। तो फ्लैग कमेटी में ये हमारा तिरंगा, और इसी फ्लैग कमेटी ने हमें 22 जुलाई 1947 में नेशनल फ्लैग, हमारा तिरंगा दिया था, जिसको बनाने वाले थे पिंगाली वेंकैया जी। नेक्स्ट कमेटी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन मतलब स्टेट्स का को रीऑर्गेनाइज करना, मतलब
जो हमारी स्टेट्स हैं, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश को छोड़ के गए तो हमारी स्टेट्स ऑर्गेनाइज तो नहीं थी। जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारा विभाजन हुआ था, और विभाजन के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद जो हमारा हिंदुस्तान था, हमारा इंडिया था, उसकी स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना बहुत बड़ा टास्क था, जिसके लिए हम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को काफ़ी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारी स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया था। और उसी रीऑर्गेनाइजेशन के लिए रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी का गठन किया गया था। रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी 29 दिसंबर 1953 में आई थी, और इसका मतलब 1953 से पहले भारत का नक्शा कुछ अलग तरीके से दिखता था। देखिए, रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी से पहले इंडिया की स्टेट्स पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी स्टेट्स में डिवाइडेड थी, और रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के बाद इंडिया की स्टेट्स 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज आई थी। 14 स्टेट्स, इसके बाद भी अलग अलग रीऑर्गेनाइजेशन कमेटीज आई हैं जिन्होंने हमारी स्टेट्स को फर्दर बाउंड्रीज डिफाइन करी हैं और हमें अलग अलग स्टेट्स दी हैं। लेकिन जो इस कमेटी के बाद हमें स्टेट्स मिली वो 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज मिली। देखिए, ये पूरी स्टेट गुजरात और महाराष्ट्र की स्टेट नहीं है यहाँ पे, ये पूरी बॉम्बे की स्टेट हुआ करती थी उस टाइम पे। तो हमें याद रखना है इनके चेयरमैन का नाम जस्टिस फजल अली। नेक्स्ट चलते हैं, स्वर्ण सिंह कमेटी पे आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी आई हमारी इमरजेंसी के टाइम पे। इमरजेंसी के टाइम पे हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब लागू हुआ, तो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करना कॉन्स्टिट्यूशन में। तो याद रखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो स्वर्ण सिंह कमेटी से आर्टिकल 51A के अंदर ऐड हुई थी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी की वो रिकमेंडेशन थी, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कमीशन, सरकारीय कमीशन के ऊपर। सरकारीय कमीशन के हमारे चेयरमैन थे RS रंजीत सिंह सरकारीय, इन्हीं के नाम पे ये कमीशन है। सरकारीय कमीशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किस वजह से इम्पोर्टेंट है? देखिए, सरकारीय कमीशन हमें बताती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 3 लिस्ट्स हैं, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। उसमें कॉन्करेंट लिस्ट को लेकर काफ़ी विवाद रहता था, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आपको पता है स्टेट और यूनियन दोनों के मैटर्स आते हैं, कि कौन से ऐसे मैटर हैं जिस पे स्टेट भी कानून बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, तो जाहिर सी बात है डिस्प्यूट होना ही है। तो सरकारीय कमीशन ने इसको सॉर्ट आउट करने के लिए, हमारी सेंट्रल और स्टेट के रिलेशन को सॉर्ट आउट करने के लिए, सरकारीय कमीशन ने एक टर्म इंट्रोड्यूस करी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद। जैसे कि हमारे इस कंट्री का स्ट्रक्चर फेडरल स्ट्रक्चर है, कि स्टेट्स के पास भी पावर्स हैं और सेंटर के पास भी पावर हैं, तो उनका कोऑपरेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो इसी कोऑपरेशन को बनाने के लिए सरकारीय कमीशन का गठन किया गया था, और इसकी रिकमेंडेशन से आगे काम भी किया गया। आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटीज़ में। जो कमेटीज़ हमारी इलेक्शन में रिफॉर्म्स के लिए बनी थी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी में सबसे पहली मेन इंपॉर्टेंट कमेटी है तरकुंडे कमेटी, या इसको हम बोलते हैं जयप्रकाश नारायण कमेटी, जेपी नारायण कमेटी। तो आप जानते ही होंगे, जयप्रकाश नारायण बहुत बड़ी पब्लिक फिगर रहे हैं, बहुत बड़े नेता रहे हैं हमारे देश के, जिनको हम लोक नायक नाम से भी जानते हैं। तो जयप्रकाश नारायण जी ने इस कमेटी को बनाया था, जिसकी अध्यक्षता की थी VM तरकुंडे जी ने। तो VM तरकुंडे जी इसके चेयरमैन थे, और 1975 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी। इसी कमेटी के अंतर्गत जो वोटिंग की एज थी 18 ईयर्स, वो सुनिश्चित की गई, और 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 में उसको लागू भी किया गया। ठीक है, VM तरकुंडे जी को हम फादर ऑफ सिविल लिबर्टीज मूवमेंट भी बोलते हैं। गोस्वामी कमेटी को हम दिनेश गोस्वामी कमेटी के नाम से भी जानते हैं। दिनेश गोस्वामी जी लॉ मिनिस्टर रहे थे VP सिंह गवर्नमेंट के टाइम पे, और उनकी अध्यक्षता में ही इस कमेटी का गठन किया गया था। ये कमेटी अमेंडमेंट करती थी एंटी डिफेक्शन लॉ की। एंटी डिफेक्शन मतलब दल बदली विरोधी कानून जो बने थे, शेड्यूल 10 में हमने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन के डिफेक्शन लॉज के बारे में, कि कोई भी नेता दल बदलते रहते थे, तो उसी के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था, जिसने बताया था एक कैंडिडेट दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से ज़्यादा इलेक्शन नहीं फाइट कर सकता। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, नेक्स्ट कमेटी। इंद्रजीत गुप्ता कमीशन 1998 में आई थी, और इंद्रजीत गुप्ता कमीशन थी हमारी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन को लेकर, मतलब इलेक्शन में जो पैसों का इस्तेमाल होता है, जो स्टेट फंडिंग करती है, उससे रिलेटेड थी। तो इसने
जो हमें रिकमेंड करा था वो ये करा था कि जो भी एनुअल अकाउंट्स हैं पार्टीज़ के, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो सबमिट करेंगी, और इलेक्शन में जितना भी खर्चा हुआ है वो सारा एक्सपेंडिचर इलेक्शन कमीशन को पार्टीज़ फाइल करेंगी। आगे देखते हैं वोहरा कमेटी। वोहरा कमेटी क्रिमिनल पॉलिटिकल नेक्सस से रिलेटेड है। 1993 मुंबई ब्लास्ट के बाद पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने एनएन वोहरा, जो उस टाइम के यूनियन सेक्रेटरी थे, होम सेक्रेटरी थे एनएन वोहरा जी, उनकी अध्यक्षता में एक वोहरा कमेटी का गठन किया। हुआ ये था कि 1993 मुंबई ब्लास्ट के बाद कुछ ऐसे सबूत हाथ में आए जिससे पता चला कि पॉलिटिशियंस के अंडरवर्ल्ड से रिलेशंस निकले, तो उन्हीं रिलेशंस की फाइंडिंग करने के लिए, मुंबई ब्लास्ट का एक्चुअल में कॉज पता करने के लिए वोहरा कमेटी का गठन किया गया था, ठीक है, ताकि जो भी क्राइम सिंडिकेट गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ के साथ या पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ के साथ लिंक रखते हैं उनको कैप्चर किया जा सके। आगे देखते हैं पंचायती राज कमेटीज़ के बारे में। पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट एक्ट से एप्लीकेबल हुआ था, और पंचायती राज में काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटीज़ हैं जिसमें बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, हनुमंता राव, जी वी के राव, एल एम सिंघवी कमेटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटीज़ हैं। तो पंचायती राज कमेटीज़ में 73rd अमेंडमेंट याद रखिएगा आप, और ये याद रखिएगा कि पंचायती राज में बलवंत राय मेहता जी जो हैं उनको फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम कहते हैं। बलवंत राय मेहता जी को आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज भी बोलते हैं, क्योंकि 1957 में सबसे पहली कमेटी जिसने पंचायती राज के बारे में रिकमेंडेशन दी थी वो बलवंत राय मेहता कमेटी थी। बलवंत राय जी फॉर्मर गुजरात के CM भी रह चुके हैं, और बलवंत राय मेहता कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है, उसके बारे में थोड़ा हम समझते हैं। बलवंत राय मेहता जी ने 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज, 3-tier सिस्टम मतलब जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ये 3 चरणों में पंचायत को डिफाइन किया था बलवंत राय जी ने। उन्होंने बताया था कि ग्राम पंचायत तो विलेज लेवल पे होती है, उसके ऊपर ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति होनी चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होनी चाहिए, और उस जिला परिषद का चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को उन्होंने बनाया था, ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी ने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था, डिफाइन किया था। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डेमोक्रेसी में विलेज लेवल पे और यूनियन लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट को आपस में काम करना, उनका विकेंद्रीकरण करना बहुत ज़रूरी था, तो उसीलिए इस टर्म का यूज़ किया गया था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का। आगे चल के बात करते हैं हम बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। बैकवर्ड क्लासेस कमीशन में सबसे पहली कमीशन हम पढ़ेंगे काका केलकर कमीशन। 1953 में काका केलकर कमीशन बनी थी। काका केलकर जी दत्तात्रेय बालकृष्ण केलकर हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, समाज सुधारक भी रहे हैं, पत्रकार भी रहे हैं। महात्मा गांधी जी के टाइम पे ये उनके साथ उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी हिस्सेदारी भी की थी। उनकी अध्यक्षता में बनी थी सबसे पहली कमीशन बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को लेके। बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का काम क्या था? बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट को प्रिपेयर करना कि हमारे देश में कौन कौन सी बैकवर्ड क्लासेस हैं। और आप देखिए बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का हमें आर्टिकल 340 के अंदर मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट बैकवर्ड क्लासेस के सुधार के लिए, उनके उत्थान के लिए कमीशन का गठन कर सकता है। तो वही ये प्रेसिडेंशियल कमीशन थी जो आर्टिकल 340 के तहत बनाई गई थी, और इसने जो लिस्ट तैयार करी थी बैकवर्ड क्लासेस की, जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन काका केलकर जी द्वारा लिस्ट बनाई गई बैकवर्ड क्लासेस की, वो लिस्ट का क्राइटेरिया था कि सोसाइटी में सोशल पोजीशन किन कास्ट की लो है, एजुकेशनली जो बैकवर्ड हैं, जिनको गवर्नमेंट सर्विसेज में ठीक से रिप्रेजेंटेशन नहीं है, गवर्नमेंट सर्विसेज में जो कास्ट नहीं हिस्सेदारी देती है, या ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ में, बिजनेस में जो क्लास पिछड़ी पर जाती हैं, उनकी लिस्ट तैयार करी गई थी काका केलकर कमीशन द्वारा। काका केलकर कमीशन के बाद आते हैं हम मंडल कमीशन पे। मंडल कमीशन बात करती है रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, मतलब हम बात कर रहे हैं OBC रिजर्वेशन की। देखिए SC ST को रिजर्वेशन तो पहले से मिल रहा था इंडिपेंडेंस के बाद से, उसके बाद OBC को रिजर्वेशन देने के लिए ही काका केलकर ने अदर बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट तैयार करी थी। फिर उसके बाद आई थी 1979 में मंडल कमीशन। मंडल कमीशन जो थी बापू बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिनका पूरा नाम था, जो बिहार के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उसके बाद ही मंडल कमीशन बनी थी। मंडल कमीशन को समझते हैं। मंडल कमीशन
बात करती है देखो ओबीसी रिजर्वेशन, ओबीसी रिजर्वेशन के टाइम पे, ओबीसी रिजर्वेशन के टाइम पे 1979 में मंडल कमीशन इस्टेब्लिश की गई जनता पार्टी के द्वारा। उस टाइम के हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मुरारजी देसाई। फिर मंडल कमीशन ने क्या किया, मंडल कमीशन ने सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उनको, उनकी लिस्ट बताई, गवर्नमेंट को रिजर्वेशन बताया कि 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिलना चाहिए। और मंडल कमीशन के आने के बाद ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं आया था, मुरारजी देसाई की गवर्नमेंट चली गई। उसके बाद दोबारा जब जनता दल की गवर्नमेंट आई है जिसमें वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तब ओबीसी रिजर्वेशन को शामिल किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। आप सब जानते हैं इंदिरा सोवानी केस को, जो ओबीसी रिजर्वेशन के ऊपर ही है, उसको मंडल कमीशन केस भी हम बोलते हैं। काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे इस कमीशन को लेके, इस कमीशन की रिपोर्ट को लेके। आपने सुना ही होगा राजीव चौक जो दिल्ली का मेट्रो स्टेशन है, राजीव गोस्वामी, उसने इस मंडल कमीशन के विरोध में ही खुद को आग लगा ली थी। तो काफ़ी प्रोटेस्ट उस टाइम हुए थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कमीशन है मंडल कमीशन। मंडल कमीशन के बाद बैकवर्ड क्लासेस कमीशन में रामनंदन कमेटी और अजय भूषण पांडे कमेटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। रामनंदन कमेटी, यहाँ पे मेंशन किया है मैंने, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को डिवाइड करती है। रामनंदन कमेटी ही बताती है कि जो क्रीमी लेयर है ओबीसीज के अंदर, उनको रिजर्वेशन से अलग कर देना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी पोस्ट ले चुके हैं, वो अच्छी पोजीशन पे स्टैंड करते हैं। तो जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड भी हैं, जो क्रीमी लेयर में फॉल नहीं करते, उनको बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिले, उसी के लिए रामनंदन कमेटी बनाई गई थी। क्रीमी लेयर जो टर्म थी ना, ये सनातनन कमीशन में 1971 में इंट्रोड्यूस की गई थी, लेकिन उस टाइम क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, टर्म इंट्रोड्यूस की गई थी। उसी टर्म के बेसिस में 1993 में, इतने साल बाद, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ओबीसी रिजर्वेशन में इंट्रोड्यूस किया गया, इस कमीशन की रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए। अजय भूषण पांडे कमेटी 2021, अगर आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो इस कमीशन के बारे में आजकल काफ़ी चर्चा में रही है। ये आपने सुना ही होगा ईडब्ल्यूएस कोटा के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही हैं, ईडब्ल्यूएस कोटा जो 103 अमेंडमेंट में आर्टिकल 15 का क्लॉज 6 और 16 का क्लॉज 6 में 10% रिजर्वेशन जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को दिया गया है, तो उसी के लिए अजय भूषण पांडे जो हमारे एक्स फाइनेंशियल सेक्रेटरी भी रहे हैं, और अभी अभी आपने इनको न्यूज़ में सुना होगा, इन्हें NFRA नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का चेयरमैन भी नियुक्त किया है अजय भूषण पांडे को अप्रैल 2022 में। तो उन्हीं की अध्यक्षता में ये कमेटी गठन करी गई और ये EWS के उस 10% रिजर्वेशन की बात करती है, उसमें रिकमेंडेशन देती है गवर्नमेंट को कि उसमें EWS को कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं, उनको रीडिफाइन किया जाए, उनके एसेट्स को और वो क्राइटेरिया रीडिफाइन किया जाए। आगे चलते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की कमेटीज पे, कमीशन टू रिफॉर्म क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में दो काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं, मलिमत कमेटी और जस्टिस वर्मा कमेटी। मलिमत कमेटी आपने सुना होगा, LK अडवाणी जी जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे, तो उनको मलिमत कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की रिफॉर्म के बारे में थी। जस्टिस VS मलिमत इसके चेयरमैन थे और ये राइट्स ऑफ विक्टिम के बारे में रिकमेंडेशन देती थी, इसने सबमिट करी थी राइट्स ऑफ विक्टिम को लेके। नेशनल जुडिशियल कमीशन की अपॉइंटमेंट इसने रिकमेंड करी थी, बट मलिमत कमेटी की जितनी भी रिकमेंडेशन थी, ज़्यादातर उन रिकमेंडेशन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। मलिमत कमेटी के बाद हम आते हैं जस्टिस वर्मा कमेटी। जस्टिस वर्मा कमेटी आप जानते ही हैं, दिल्ली गैंगरेप केस, निर्भया इंसिडेंट के बाद बहुत ज़रूरत पड़ी थी हमारे लॉ में रिफॉर्म करने की। सेक्सुअल असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन, इनकी पनिशमेंट को इम्प्रोवाइज करने की। तो उसी इंसिडेंट के बाद, दिल्ली गैंगरेप केस के बाद, जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी की रिकमेंडेशन से काफ़ी क्रिमिनल जस्टिस में, हमारे IPC में, CRPC में रिफॉर्म्स भी करेगा, सेक्शन में अमेंडमेंट्स भी लाएगा। तो ये हमारी थी सारी मेजर इंपॉर्टेंट कमीशंस। एक बारी लिस्ट को देख लीजिए, हमने अभी तक 20 कमीशंस को डिस्कस करा है। ये काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और आप कोई भी आपको क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।